100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप, कलाकार बेमिसाल में स्वागत है आप सभी का। जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो एक दो तीन हो जाती है। हाथों में चाबुक होठों पे गालियां, हाथों में चाबुक होठों पे गालियां, बड़ी नखरे वालियां होती है तांगे वालियां। कोई तांगे वाली जब रूठ जाती है तो है तो है तो और नमकीन हो जाती है। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। छैया मुखड़े पे धूप है, हे जुल्फों में छैया मुखड़े पे धूप है। बड़ा मजेदार गोरी ये तेरा रंग रूप है। गोर से पतंग जब टूट जाती है तो है तो है तो रुक रंगीन हो जाती है। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो एक दो तीन हो जाती। किसी भी फिल्म में अक्सर हमें याद रह जाता है उसका म्यूजिक, उसका संगीत, या फिर याद रह जाते हैं मुख्य अभिनेता या फिर अभिनेत्री या फिर कहानी। साइड का जो रोल करते हैं वो बहुत ही कम याद रह जाते हैं। लेकिन एक ऐसी फिल्म आई थी शोले जिसका हर एक किरदार अपने आप में बहुत ही खास था, और इसी में एक किरदार था सूरमा भोपाली का। आपको याद होगा सूरमा भोपाली, बहुत ही बेहतरीन ये किरदार निभाया था। बहुत थोड़ी देर के लिए पर्दे पर नजर आए थे जगदीप, लेकिन इस छोटे से किरदार में उन्होंने जान डाल दी थी। आज कलाकार बेमिसाल में उन्हीं की बातें हम करने वाले हैं, और कोशिश करूंगी कुछ ऐसे गाने भी लेकर आऊं। बहुत ही थोड़े से गाने उन पर फिल्माए गए हैं, लेकिन कोशिश करूंगी कि उनमें से कुछ सिलेक्टेड गाने आपके लिए लेकर आऊं जो उन्हीं के ऊपर फिल्माए गए हैं। पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे,
बादलों के बारहों के डोर पे सवार सारी दुनिया ये देख देख जली रे जली जली रे पतंग मेरी जली रे हवा में लहराए जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए यूं मस्त हवा में लहराए जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए लेके मन में लगन जैसे कोई दुल्हन चली जाए रे सांवरिया की गली रे चली चली रे पतंग मेरी चली रे चली चली रे पतंग मेरी चली रे चली बादलों के पार हो चली रे चली चली रे पतंग मेरी चली रे जवान लागे पतली कमर बड़ी बली रे चली चली रे पतंग मेरी चली रे चली चली रे पतंग मेरी चली रे चली बादलों के पार होके डोर पे सवार सारी दुनिया ये देख देख जली रे चली चली रे पतंग मेरी चली रे बड़ी तेज है कटार देगी काट के रख दिल जली रे चली चली रे पतंग मेरी चली रे चली चली रे पतंग मेरी चली रे चली बादलों के पार होके डोर पे सवार सारी दुनिया ये देख देख जली रे चली चली रे पतंग मेरी चली रे। भाभी फिल्म का ये गाना फिल्माया गया था नंदा और जगदीप पर। जी हाँ, बहुत सारी फिल्मों में वे मेन लीड में भी नजर आए थे। वैसे यूं तो मुंबई आना बहुत से लोगों का होता है सपना और लोग यहाँ अभिनेता बनने ही आते हैं, लेकिन सबकी ये ख्वाहिश भी नहीं होती है। कुछ लोग सिर्फ घर चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए मुंबई आते हैं और कभी कभी कुछ शौक के लिए नहीं बल्कि मजबूरी में भी एक्टिंग करते हैं। पर्दे के सूरमा भोपाली यानी जगदीप भी उन्हीं में से एक थे। मुंबई जैसे शहर में वे आए तो थे रोजी रोटी कमाने, लेकिन बन गए अभिनेता। देखना मेरे लाल किस्मत की
के घोड़े की चाल। अब देखना मेरे लाल किस्मत के घोड़े की चाल, हाथ मिलाओ लगाएंगे दाव अब एक एक पर तीन तीन। हुक्कुना हाय रे हुक्कुना, हाय रे हुक्कुना, हाय हाय रे हुक्कुना। दुनिया बनेगी गुलाम झुक झुक करेगी सलाम, दुनिया बनेगी गुलाम झुक झुक करेगी सलाम, आगे पीछे हमारे होंगे जमाने भर के हंसी। हुक्कुना हाय रे हुक्कुना, हाय रे हुक्कुना, हाय हाय रे हुक्कुना। हाँ आ गए यारो जीने के दिन, खेलने खाने पीने के दिन, नाचो प्यारों के मौजे मारो चिराग दे गए अल्लाह दी। हुक्कुना हाय रे हुक्कुना, हाय रे हुक्कुना, हाय हाय रे हुक्कुना। आ गए यारो जीने के दिन, ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। सौ दशमलव एक मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गोल्ड। शबनम के साथ हैं आप कलाकार बेमिसाल में और आज बातें हो रही हैं अभिनेता जगदीप की। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो चल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। भार काजल की तुम और तीखी करो, मांग होंठों की मीठी हंसी से भरो। जिंदगी झूमने पर मचल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी।
छाई है काली घटा, गोरे गालों से गेसू हटा दो जरा, इस अंधेरे में एक शम्मा जल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी, पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। गम ने छेड़ा हमें तुम न छेड़ा करो, जो तुम्हारे हैं उनसे न पर्दा करो, मुस्कुरा दो तमन्ना निकल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी, पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। ये बहुत ही प्यारा सा गाना पुनर्मिलन फिल्म से आपने सुना और ये फिल्माया गया था जगदीप पर। अभिनेता जगदीप की बातें आज हम कर रहे हैं कलाकार बेमिसाल में। जगदीप का असली नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था, फिल्मों में उन्हें हम जगदीप के नाम से जानते हैं। उनका जन्म 29 मार्च 1939 को दतिया में हुआ था। उनके जीवन के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी बातें बताई जाती हैं कि किस तरह से उनकी जिंदगी बेहद संघर्ष में कटी थी, खासकर उनका जो बचपन था। कहते हैं कि बंटवारे के बाद उनका परिवार बेहद खराब हालत में था। पिता के गुजर जाने के बाद उनकी मां बच्चों को लेकर मुंबई आ गईं और घर चलाने के लिए खाना बनाने का काम करने लगीं। जगदीप भी सड़कों पर साबुन कंघी बेचा करते थे। कहते हैं कि इन्हीं सड़कों पर एक फिल्मकार की नजर उन पर पड़ी और महज 3 रुपए कमाने के लिए जगदीप फिल्मों में आ गए। छोड़े जमाना तुम छोड़ न जाना, हाय तेरा ये रेशमिया चल, मस्त निगाहों में ये काजल, कितना नशीला तेरी आंखों में खुमार है, आंखों में खुमार है, प्यार की लय पे गाए प्यार का तराना, छोड़ जमाना तुम छोड़ न जाना, प्यार किया है तो ये प्यार निभाना, छोड़ जमाना तुम छोड़ न जागती आंखों में है सपन सुहाना, छोड़ जमाना तुम छोड़ न जाना, प्यार किया है तो ये प्यार निभाना, छोड़ जमाना तुम छोड़ न जाना, चांद से जैसा साथ किरण का रिश्ता वैसा
सपना है ये आँखों की पुकार है ये आँखों की पुकार है साथ चले हो कभी दूर न जाना छोड़े जमाना तुम छोड़ न जाना प्यार किया है तो ये प्यार निभाना छोड़े जमाना तुम दोस्तों अभिनेता जगदीप की जिंदगी की शुरुआत भले ही दुख और तकलीफों में हुई थी लेकिन उन्होंने इसे अपना मुकद्दर कभी नहीं बनने दिया। फिल्मों में वे एक अलग ही अवतार में नजर आए। उनकी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग का हर कोई दीवाना था। वे थोड़ी देर के लिए ही सही पर्दे पर आते थे लेकिन छा जाते थे। जगदीप ने एक शानदार करियर बनाया और मुंबई जैसे शहर में अपनी पहचान अपना नाम ऐसा बनाया है जो आज तक कायम है। वो दूर जो नदियाँ बहती है वहाँ एक अलबेली रहती है वो दूर जो नदियाँ बहती है वहाँ एक अलबेली रहती है सुन भैया वही मेरी भाभी है गोरा मुखड़ा है गाल गुलाबी मत देख उठा के ले जाएगा तुझे अपना बना के ले जाएगा तुझे अपना बना के ले जाएगा देखो वो बादल आवारा फिरता है ये क्यों मारा मारा मैं जान गई ये बेचारा है मेरे भैया जैसा कुआरा है मेरे भैया जैसा कुआरा है वो पंछी जो उड़ता जाता है मीठी धुन में कुछ गाता है कहता है तू भी घर जाएगी फिर भैया को याद न आएगी फिर भैया को याद न आएगी चल ऐसी जुबा पर बात न ला हंसते हंसते पी के घर जा चल ऐसी जुबा पर बात न ला हंसते हंसते पी के घर जा तेरी राखी की लाज निभाऊंगा जीते जी ना तुझको बुलाऊंगा जीते जी ना तुझको बुलाऊंगा बुलाए तो नहीं जा सकते जगदीप। दोस्तों हंसाना बहुत ही मुश्किल काम होता है जिसे बहुत ही आसानी से निभा लेते थे जगदीप। सूरमा भोपाली यानी जगदीप की बातें आज मैंने आपसे की हैं कलाकार बेमिसाल में। वैसे उनके और भी बहुत सारी चर्चित फिल्में आई हैं जैसे कि भाभी, पुनर्मिलन, फिर वही रात, प्यार की बाजी, बरखा, नूर महल, वो सात दिन, ब्रह्मचारी, जीने की राह, हिम्मत। और शायद आप जानते हो, बहुत ही कम लोगों को वैसे ये पता है कि 1988 में एक फिल्म आई थी सूरमा भोपाली नाम से,
और इस फिल्म का निर्देशन भी जगदीप ने ही किया था। बहुत सारी बातें की हैं उनके बारे में आज मैंने। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। एक गाना बहुत ही खास मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। ये गाना आज के दौर में भी न्यू वर्जन के साथ आपने सुना होगा, लेकिन ओरिजिनल गाना आपको सुनाती हूँ जो कि जगदीप के ऊपर फिल्माया गया था। मेरा भी नहीं करता है और मैं बिल्कुल नहीं जाने वाली हूँ, बस आपके साथ मिलकर समाचार सुनने वाली हूँ आकाशवाणी गोल्ड पर अब से कुछ ही देर में। आप भी बने रहें हमारे साथ। 1:10 पर लेकर आऊंगी घर आंगन।